हेलो दोस्तों, पलाने टाइम्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे सुपरस्टार प्रभास की मच अवेटेड मूवी आदिपुरुष के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट सामने निकल कर आई, जिसे जानने के बाद आप भी काफी खुश हो जाओगे। अगर आप भी इस फिल्म को देखने का काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। पैन इंडिया स्टार प्रभास के हाथ में कई बड़े प्रोजेक्ट हैं, जिनका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस लिस्ट में फिल्म आदि पुरुष का नाम भी शामिल है, जिसमें प्रभास भगवान श्री राम के अवतार में नजर आएंगे। इस फिल्म से प्रभास का लुक काफी समय पहले सामने आ गया था और अब फिल्म के टीजर की रिलीज डेट का भी खुलासा हो गया है, जिसके बाद फैंस काफी एक्साइटेड हो गए हैं। ओम राउत के निर्देशन में बनी रही आदि पुरुष का टीजर 3 अक्टूबर को फैंस के बीच आ रहा है। हिंदू महाकाव्य रामायण पर आधारित इस फिल्म का टीजर दशहरे से सिर्फ 2 दिन पहले रिलीज हो रहा है। मजेदार बात यह है कि इस बार प्रभास दशहरा दिल्ली में मनाते हुए नजर आएंगे। बता दें कि आदि पुरुष की शूटिंग काफी पहले खत्म हो गई थी। यह एक 3D फिल्म है और इसके VFX पे काम चल रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि आदि पुरुष के पास फिल्म में 8,000 से अधिक VFX शॉट होंगे, जो किसी भी भारतीय फिल्म के लिए पहली बार होगा। आदि पुरुष पैन इंडिया लेवल पे रिलीज होगी और यह फिल्म बहुत सारी भाषाओं में रिलीज होगी। यह फिल्म तेलुगु, हिंदी के साथ साथ और भी भाषाओं में रिलीज होगी। फिल्म में साउथ सुपरस्टार प्रभास के अलावा अभिनेता सैफ अली खान नजर आएंगे। सैफ अली खान लंका पति नरेश रावण का किरदार निभाते हुए दिखाई देने वाले हैं। फिल्म आदि पुरुष में एक्ट्रेस कृति सैनन भी पहली बार पौराणिक किरदार निभाती हुई दिखेंगी। तो ये थी फिल्म आदि पुरुष से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट। आप क्या सोचते हैं इस मूवी के बारे में, हमें कमेंट करके बताओ। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।